जापानी इंसेफेलाइटिस के खतरे को देखते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह ने खोराबार और पिपराइच स्थित सीएससी और पीएससी केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि बरसात के मौसम में जापानी इंसेफेलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए हर पीएससी सीएससी पर रोकथाम के लिए जो सेंटर बनाया गया है उसका नीति क्षण किया गया है तथा निर्देश दिया गया है कि आरटीसी पर व्यवस्थाएं बेहतर रखी जाएं जिससे इलाज में कोई कोताही ना हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, लेकिन ये है कि वहाँ पे कुछ एडमिशन होता है तो ये है कि जमीन आने का सिंगुरिया वाले में जो है उधर एक और आपकी सी सी है सिंगुरिया वहाँ नहीं है सी सी नहीं वहाँ पर नहीं हो क्या रहा है ना ए टी सी में अभी क्या तो इस सीजन में जो ये तो अन्य वायरस जो रहते थे इस समय तो कोविड का चल रहा था, लेकिन अन्य वायरस के जो स्प्रेड होता था अन्य वायरस का जैसे और खांसी सर्दी होता था वो ही नहीं है इस समय। अच्छा, मतलब इसी अगर लास्ट ईयर का देखें कंपेयर करें तो जो लास्ट ईयर कंपेरिजन है इस टाइम पे वो आई आर आई जो केसेज हैं लगभग नॉर्मल डिग्री फीवर और वो कम है कम क्योंकि ऑपरेशन में आज ओके तो काफ़ी कम है उसके लिए भी फीवर के केसेस नहीं आ रहे तो ये तो हो सकता है कि जो हम जनरल प्रिकॉशन रख रहे हैं उसका कारण हो सकता है या उसके लिए हो सकता है कि अभी एक चीज़ शुरू वो क्या था कुछ लोग ऐसे कैसे चल रहा है वरना सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर यहाँ मैनेज हो जाता है डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे अभी तो 6 पेशेंट आएगा आप शायद अभी सीजन है ना सीजन आया देखिए सर इस बार चीज है पेशेंट की समय लाइन लगी रहती है हम लोग मतलब परेशान हो जाते 500-600 रुपये देते थे तो वेटिंग में हाँ इस बार मैक्सिमम 100-150 रुपये देते हैं। डीएम सर के निर्देशन में अभी जापानी इंसेफेलाइटिस और एई का प्रकोप इन दिनों काफ़ी बढ़ जाता है तो हमें हर पीएससी सीएससी पे जो आईसीटी सेंटर हमने बनाए हैं आईटीसी सेंटर्स इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर उसमें हमें ये देखना है कि जेई और एई को रोकथाम के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड वार्ड रहें उनमें सारी सुविधाएँ रहें और जो इंचार्ज है वो रहे और कितने बच्चे और कितने वो लोग आ रहे हैं उन वार्ड में ट्रीटमेंट कराने वो रहें। देखने में आया कि सीधे लोग बीआरडी पहुंच रहे हैं और हमारे जो लोअर लेवल पे जो पीएससी सीएससी से वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं तो डीएम सर ने के निर्देशन में हमने आज सब पीएससी सीएससी पे पीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहले खोराबार फिर सिंहोरिया और फिर पिपराइच तीन पीएससी सीएससी पे हमने विजिट किया और वहाँ पर आईटीसी जो उनका जो बना है उनका वो हमने देखा जेई और एई के लिए रोकथाम के लिए जो डेडिकेटेड वार्ड उन्होंने बनाए हैं और उसमें इंचार्ज हैं और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे उन सबको बताया गया कैसे आपको जेई और एई के जो अभी ये जो सीज़न है इसमें बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है जो इस रीजन में काफ़ी प्रचलित है तो आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ साथ जो प्रोटोकॉल रहा है उसको अपनाएँ और इसके लिए भी आप आशा एएनएम को
घर घर जाकर कुछ लोगों को जागरूक करें, और जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे जिन गांवों में JEE का प्रकोप ज़्यादा रहता है वहाँ पर भी स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। बस इसी दिशा निर्देश के तहत हमने अब PSC पे गए थे, उनको निर्देश दिए थे। ये और सारे हम PSC पे निरीक्षण करेंगे आगामी दिनों में, जिससे JEE की जो हमारी तैयारी है उसको भी सुदृढ़ किया जाए और कोई भी किसी भी तरीके की ग्रेजुलिटी हमारे क्षेत्र में ना हो।